9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6, जिसकी डेट है 20 जुलाई 2021। यहाँ पर आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट और यहाँ पर आएगा क्लास टीचर का नाम। चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। उप विषय इतिहास की समझ भाग एक। इतिहास मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इतिहास मात्र ये जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, बल्कि इसके साथ हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों, इतिहास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ इतिहास किस काम आता है? अतीत, सिर्फ अतीत को जानने के काम नहीं आता, बल्कि अतीत से कुछ ना कुछ सीख लेकर के वर्तमान को बनाने और भविष्य को संवारने के काम आता है। इसका मतलब भविष्य को एक बेहतर भविष्य बनाने में सहायता करता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार, मतलब घटित होने के समय के क्रम के अनुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। क्या है? जो मानव ने विशिष्ट घटनाएं, जो मानव के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं पहले समय में, उनको ही इतिहास कहा जाता है। ठीक है? इन घटनाओं व ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। क्या किया जाता है? जैसी जो मानव ने जो भी घटनाएं की हैं, उन घटनाओं को ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्ष दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है। क्या है? 3000 वर्ष दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है। आगे देखते हैं। लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। कौन सा? जो लिखित प्रमाण मिले हैं तब से, उससे पहले का जो इतिहास माना जाता है वह एक प्रकार का प्रागैतिहासिक काल माना जाता है, जिसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग? एक है आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल और चौथा है धातु काल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, देखेंगे वर्कशीट के क्वेश्चन में। इसके बाद है प्रागैतिहासिक काल को समझने व जानने के मुख्य स्रोत खुदाई में मिले उस समय के पत्थरों के औजार व हथियार, जीवाश्म मिट्टी के बर्तन, गुफा चित्रों, आवासों के अवशेष, यहाँ तक कि वहाँ मिले कूड़े से भी उस काल को जानने में मदद मिलती है। अगर जो कूड़ा मिलता है ना, उससे भी इतिहास को जानने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ चित्र दिए गए हैं, NCERT से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखें आगे। चित्रों में, अगर चित्रों की बात करें तो चित्रों में क्या क्या हो सकता है? चित्रों में गुफा चित्र, कब्र में मृतक के साथ बकरी दफन, मृत भांड व चांदी के सिक्के, भोजपत्र व पांडुलिपि, इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत, पुरातात्विक प्रमाणों, खुदाई में मिले साक्ष्यों, दुर्ग मतलब किले, भवन, सिक्के, मोहरे, भोजपत्र, ताम्रपत्रों व ताम्रपत्रों पर पांडुलिपियाँ, शिलालेख, प्राचीन ग्रंथ, साहित्य व व्यापारियों या यात्रियों के वृत्तांत आदि हैं। ये वही सारे साक्ष्य हैं जिनसे हम इतिहास का पता लगाते हैं। क्लियर है? आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया जाता है। प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। कौन कौन सा? प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन समय का, मध्यकाल का और आधुनिक समय का। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो प्यारे बच्चों, आपके अपने परिवार के मूल निवास स्थान, कार्यों, खानदान, रहने के तरीकों में हुए बदलावों को जानने और समझने के लिए इन सभी का इतिहास जानकर देखो। सचमुच बहुत रोचक यात्रा होगी। हमारे आज को समझने में इतिहास बहुत सहायक रहेगी। ठीक है, एक बार जान के देखना प्यारे बच्चों कि आपके परिवार में पूर्वजों के नाम क्या थे, आपके पूर्वज कहाँ रहते थे, और अगर कहीं और रहते थे तो वहाँ से लीव करके, वहाँ से छोड़कर एक नई जगह, दूसरी जगह पर कैसे बसे, उसका कारण क्या था। ये भी क्वेश्चन आपको इस वर्कशीट में पूछा गया है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या होंगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इतिहास का क्या महत्व है, जो कि हमने पहली दूसरी लाइन में पढ़ा था, वही है इतिहास का महत्व, उसको अभी देखेंगे। इन सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके इनके आंसर्स देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर्स की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था? इतिहास का क्या महत्व है, इतिहास का क्या महत्व है, इसका आंसर क्या है? इतिहास मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो कि हमने देखा था। इतिहास मात्र अतीत जानने के लिए नहीं है, बल्कि ये वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है।
क्लियर है दोस्तों क्या है, इसी ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि इतिहास सिर्फ अतीत जानने के लिए नहीं होता बल्कि वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, लिखित प्रमाणों से पूर्व के काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया है? लिखित प्रमाणों से पूर्व काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया है? अभी हमने देखा था ना कौन कौन से थे, लिखित प्रमाणों से के मिलने से पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। जो लिखित प्रमाण जब मिले थे ना उससे पहले का जितना भी आपका इतिहास था, इस दुनिया का इतिहास था, उसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जिसमें मानवता मानव सभ्यता को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें मानव सभ्यता को चार भागों में बांटा गया है, कितनी, चार भागों में, और वो कौन कौन से थे, वो थे आदिम मानव काल, आदिम पाषाण काल, दूसरा पूर्व पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल और चौथा धातु काल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। आप किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उस घर के कचरे से किस प्रकार लगा सकते हैं? ठीक है, ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि यदि आप किसी परिवार के आदतों का पता लगाना चाहते हैं, खाने पीने की आदतों का, तो उसके कचरे को देखकर, उस परिवार के कचरे को देखकर कैसे पता लगाएंगे? तो इसका आंसर क्या है, ये आप हर कोई व्यक्ति अलग अलग सोच सकता है, हर किसी की थिंकिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम साथ साथ यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता कुछ उस प्रकार लगा सकते हैं, जैसे यदि हमें कचरे में साग सब्जी के कटे हुए कुछ हिस्से मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये परिवार शाकाहारी हो सकता है। ठीक है, और यदि हमें वहीं हमें हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये परिवार मांसाहारी होगा। यानी कि अगर साग सब्जी मिलती है तो शाकाहारी होगा, अगर कुछ हड्डियाँ मिलती हैं तो हम कह सकते हैं मांसाहारी होगा, जैसे कि चिकन और मछली की हड्डियाँ या कांटे जो होते हैं। क्लियर है, इसके बाद क्या है, अर्थात हमें जिस प्रकार की खाने से संबंधित चीज़ें कचरे में मिलेगी हम उसी को साक्ष्य मानकर निर्णय लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है, अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें, पूर्वजों के नाम, पूर्व निवास स्थान, स्थान छोड़ने के कारण लिखते हुए एक चार्ट पर दर्शाएं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने परिवार से लेकर के कुछ पूर्वजों के नाम लिखने हैं, पहले आपका परिवार कहाँ रहता था उसका नाम लिखना है, पूर्वजों के नाम यहाँ हो जाएंगे, कॉलम की तरह आपको एक चार्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, क्लियर है दोस्तों, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, पूर्वजों के नाम, पूर्व निवास स्थान और स्थान छोड़ने का कारण, इस प्रकार के से आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी आपके पूर्वज थे उन सभी का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले कहाँ रहते थे वो आ जाएगा, उसके बाद क्या क्या कारण थे कि वहाँ से छोड़कर आप लोग नई जगह बसे हो। ठीक है, इसमें आपकी हेल्प आपके परिवार वाले जैसे माता पिता कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है क्वेश्चन नंबर चार तक।